नमस्कार, मैं रवि किशन आपका क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में स्वागत करता हूँ। बहू, ओ बहू, अरे रात हो गई, हमरी चाय का कोनो ठिकाना है कि नहीं? तुमको पुकार पुकार के हमरा मुंह सूख गया। और ये महारानी अब पधार रही है बाजार से घूम के। तुमको पता है ना, हमारी चाय का समय जरा सा भी इधर से उधर होता है तो हमारा सर दर्द पकड़ लेता है। रिक्शा नहीं मिल रहा था, इसीलिए लेट हो गया। अभी बना देते हैं चल। अरे रिक्शा वाले को का पता हमारे दर्द का, पर तुम तो जानबे करती हो ना। अरे पर तुमको खरीदारी करने से फुर्सत मिले तब ना हमारा ध्यान आए, तुमको तो बस पैसा उड़ाना है हमरे बिटुआ का। मम्मी जी, पैसा खर्च करके कोई गहना या कपड़ा नहीं खरीदा है, अपनी किताबें खरीद के लाए। शादी को 1 साल हो गया है बहू, अब जल्दी से हमारे दादी बनने का अरमान पूरा करो, तब जाके ये पढ़ाई सबका शौक पूरा करना। फिर से आप वही सब बात करने लग गई मम्मा जी। हमने पहले ही बोल दिया था ना, पहले और बाद का हमको कुछ नहीं सुनना है, बस हमको एक पोते का मुंह दिखा दो जिसको हम गोद में बिठा के खिला सके बस। मम्मी जी, अब आपको पोता खिलाने के लिए बच्चा पैदा करके हम अपनी लाइफ तो बर्बाद नहीं करेंगे ना। राखी, ये क्या बोल रही हो तुम? अम्मा से क्या तरीका है, अम्मा से ऐसे बात किया जाता है क्या? माँ जी, हमको अंदर जाओ, अंदर जाओ। और हाँ, आगे से सलीके से बात किया करो हमारी अम्मा से। जाओ। पहले डांटो और फिर मनाओ। ऐसी बात नहीं है आखिर, तुम तो जानती हो ना मेरे ऑफिस का माहौल बहुत ही खराब चल रहा है, मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है, इसलिए हमें बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं और उसके लिए अम्मा से पैसा लेना पड़ेगा। तो तुम ही बताओ, अम्मा को तो खुश रखना पड़ेगा ना राखी। और हमारी खुशी कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है राखी, अम्मा को खुश रखना हमारी मजबूरी है, पर तुमको खुश रखना हमारी जरूरत। हम सब समझते हैं, जब आपको हमसे कोई काम होता है ना तभी आपको हम पे प्यार आता है और ये गजरा भी तभी लेके आते हैं। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, हमसे बच्चे के बारे में बिल्कुल बात मत करिएगा अभी। अरे हमको तो कुछ और चाहिए। अगले महीने हमारा एग्जाम है और उससे पहले एक ऑनलाइन एग्जाम है, हमको वो सबका तैयारी करना है। तब तक आप हमसे 1 महीने तक दूरी बना के रखिए। बस आज फिर प्रॉमिस करते हैं, पूरे महीने कुछ भी नहीं बोलूं। अच्छा हो गया तो। अरे कैसी बातें कर रही, प्रिकॉशन भी कोई चीज होती है ना। अरे हम सावधानी अपनाएंगे कसम से। समझते है राखी अपने आप को? अरे 2 किताब पढ़ लेगी तो का बैरिस्टर हो जाएगी? बुद्धि फिर गई है उसकी। हम कुछ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं कि कानपुर में हड़ताल है। नावल काहे फेंके दे रही, कान से सुनाई देता है आंख से नहीं। और वैसे भी तुम दिन भर कुछ न कुछ तो बोलती ही रहती हो। अब कोई सुनबे ही नहीं करता है तो बोलना तो पड़ेगा ना। ना आप सुनते हैं ना आपकी बहू सुनती है। एगो पोता मांगे हैं और वो है कि कान में रुई ठूस के बैठी। सीमा रानी, जब बेटा बहू नहीं चाहते अभी बच्चा पैदा करना
तो काहे उनके पीछे पड़ी रहती हो? अरे जब बच्चा पैदा करना होगा तो कर लेंगे, अभी जीने दो उनको अपनी जिंदगी। तुम काहे अपनी सांप जैसी जुबान लिए उनके पीछे पड़ी रहती हो? अब अपने बेटा बहू को नहीं बोलेंगे तो कब पड़ोसी को बोलने जाएंगे? अरे प्यार से समझाओ उसको, प्यार की भाषा सब समझते हैं। हमारी तकदीर में ना भगवान ने ऐसी बहू बंधाई है जो केवल किताब का भाषा समझती है, प्रेम का भाषा नहीं समझती है। उनको समझाने के लिए उनको कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। अरे सीमा रानी, भगवान के लिए ज्यादा मत सोचो, क्योंकि जितना तुम सोचोगी उतना तुम्हारे बेटे और बहू के बीच में कड़वाहट आएगी। अब कहना क्या चाहते हैं? हम अपने बेटा और बहू में झगड़ा लगाना चाहते हैं? अरे कौन सा उसके मायके का संपत्ति मांग लिए, एक पोता ही तो मांगे। कहा पोता पोता लगा के रखी हो, जब करना होगा तो कर लेंगे बच्चा, कहा हमारा पैसा खराब कर रही हो? चाहता दिमाग ना चलाया करो, हमको नावल खत्म करने दो। जब कर लेंगे तब कर लेंगे का क्या मतलब है? हमरे मरने के बाद करेंगे, हमरा पोते का इच्छा ही रह जाएगा का? कौन से तुम कल भरे जा रही हो? आपका पूरा परिवार ही चाहता है कि हम मर जाए, आप लोगों की जिंदगी से दूर चले जाए। फिलहाल तो तुम कमरे से बाहर जाओ और हमारा ज्यादा माथा खराब मत करो। बोल रहे ऐसा कीजिए, हम मर नहीं रहे ना तो हमको जहर दे के मार दीजिए, और तब भी अब नहीं मर रहे ना तो ऐसा कीजिए हमारे मरने से पहले हमारा श्राद्ध ही कर दीजिए आप। तुमको तो सच में तो झपड़ जाना भी बेकार है, कहीं झपड़ जाने का भी तुम्हारे दिमाग पे कोई असर तो पड़ने वाला है नहीं। हद कर रोगी ना, जितने झपड़िया लीजिए, आपके और आपकी बहू के कलेजे में ठंडक पड़ जाएगा। काहे बात का पतंगड़ बना रही है? बात का पतंगड़ हम नहीं बना रहे, आप लोग बना रहे हैं। हाँ जी, कल मेरी बहू की वजह से आप हम पे हाथ छोड़ने का सोचे यार। तुमको जो करना है करो, ठीक है? हटो सामने से, हमको भी किताब खत्म करनी है। बहू कैसी चल रही है परीक्षा की तैयारी? पहला एग्जाम कुछ दिनों में होने वाला है। हाँ। उसके बाद फाइनल लिखता हूँ। बहुत बढ़िया, खूब मेहनत करो। अरे मोरी मैया, कितना गर्म चाय है जी, तुमको मालूम है ना इतना गर्म चाय पी के हमारा जीभ जल जाता है, फिर भी। मम्मी जी, ज्यादा गर्म चाय कहाँ है? सही तो कह रही है बहू, ज्यादा गर्म कहाँ है। अच्छा, अरे अरे क्या कर रही है? मम्मी जी, अभी तो खुदा ही बोल रही थी ना, ज्यादा गर्म नहीं है, चिल्ला कह रही है। अरे चिल्ला गई हो का, ऐसे कौन करता है? तो सब बात ही करना बेकार। बेटा एक काम करो, तुम जाके इस सब बर्फ लगाओ, थोड़ा आराम मिलेगा। जल्दी जाओ बेटा, वरना तो फसवाना पड़ जाएगा। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तुम्हारे बचपन की दोस्त आई है और तुम हमें इग्नोर कर रहे हो। देखो मां, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बैठ करके फालतू की बातें करने के लिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। माना तुम्हारे पास हमारे घर आने के अलावा कोनो काम नहीं है, पर हमारे बेटे के पास तो सैकड़ों काम है। अम्मा सही कह रही है, मैं निकल रहा हूँ, बाय। वो क्या है ना चाची, कि फ्रीज में दूध रखना भूल गई थी तो दूध फट गया, और अभी बाजार जाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो आप प्लीज दे देंगे क्या? बाजार जाने का मन नहीं कर रहा और यहाँ आने का मन कर रहा है, हाँ ला दो। ये लो। थैंक यू। जब देखो मुँह उठाए चली आती है। बहू रानी, अगर तुम जल्दी ही बचुआ पैदा नहीं की ना तो कोनो और आकर हमारे बिटवा को पटा ले जाएगी। देख रहे हैं आजकल हम मोना को, जब देखो किसी न किसी बहाने घर में घुसे रहती है। हमको तो पूरा शक है उस पर, वो विकास पे डोरे डालने में लगी है। कलमी जब देखो उसका हाथ पकड़ पकड़ के हंसी टिटोली करती रहती है। माँ जी,
मोना और विकास बचपन के दोस्त हैं। इसी की वजह से वो दोनों आपस में हंसी मजाक कर लेते हैं बस। अरे का फायदा इतना पढ़ने लिखने का हाँ? जब तुमको इतना ही नहीं मालूम है कि कोई लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकता है। माँ जी मुझे अभी इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना है, मुझे आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। बेफजूल में आप टेंशन ले। हम भी देखते हैं कैसे पढ़ाई करती हो तुम। बहू, ओ बहू, हम जरा अपनी सहेली मालती के यहाँ जा रहे हैं और आते समय सब्जी भी ले आएंगे। चाची जी आ गई बखत। अब हमको फॉल पीको लगाने मत बोलना क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वो सब हमने करवा लिया है चाची जी। वो क्या है ना कि हमको एक फंक्शन में जाना था लेकिन हमको साड़ी पहनने ही नहीं आता। अभी हम अपनी सहेली के यहाँ जा रहे हैं, बाद में आना। राखी भाभी है ना, भाभी आप हमको पहना दीजिए ना प्लीज। ठीक है चलो मेरे साथ चलो। जाने के बाद ही जाएंगे। अरे हुआ नहीं का हाँ? में इतना मरद है पर ये तो पहले ही शर्म बेच के खा चुकी। वो अपना मोबाइल भी न देखेगा तो हमको भी देखने दीजिए। ऐसा कहाँ देख रहे हैं हमसे छुपा के? हमारा मोबाइल आप कुछ भी देखे, अजीब औरत हो, अपना मोबाइल भी नहीं देख सकते। बड़े हद हो गई है यार, कैसी औरत ये हद है। इलो गरम खा लो। खाओ ना माँ, हमको आपके हाथ का बना हलवा खाए हुए काफी दिन हो, बहुत मन कर रहा है, बना दीजिए ना। इसे कहते हैं टेलीफेथी। तुम्हारा खाने का मन था और हम बना कर ले आए। मोना तुम? हमको पता है कि तुम्हें कितना हलवा पसंद है। तुम्हें घर के लोगों की पसंद ना पसंद बहुत पता है। हलवा तो हमको ही बहुत ज्यादा पसंद है। बनाया भी बहुत टेस्टी है सच्ची। इका बदतमीजी है। चलो तुम काहे जा अपने घर जाके हलवा बना और खुद ही खा। अरे पापा इका तरीका है मतलब घर आए मेहमान के साथ में कोई ऐसा करता है? अब तुमको ये सब भी सिखाना पड़ेगा। देखो मोना ऐसा है कि हम माफी मांगते हैं तुमसे अपनी बीवी के गलती के लिए, माफ कर दो इसको। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? दूध कहाँ है हमारा? मम्मी जी वो एक ऑनलाइन फ्री ट्यूटोरियल था,
वो देखने के चक्कर में टाइम का पता ही नहीं चला। ना रहेगा पास, ना बच्चे की बांसुरी। क्या बोली थी तुम कि तुम्हारी पढ़ाई की वजह से घर के किसी काम पे असर नहीं पड़ेगा, तो ये का है? ना समय पर हमारी दवा मिल रही है और ना दूध। मम्मी जी अभी ऐसा हुआ है, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, हम अभी लेके आ जाए। तुम ऐसा नहीं सुधरोगी, तुमको ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुमको तो हम सुधार के रहेंगे। ऐसे नहीं मानोगी तुम। मम्मी जी देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब जब तक हमको पोता नहीं दोगी ना, तो ऐसे ही पिटते रहोगी, समझी? सलाद नहीं लाए? जी मम्मी जी अभी लेके आती। मायके से नमक का बोरी लाई हो का? हाँ, जो पूरा का पूरा प्लेट दी हो दाल और सब्जी में। हमारा बीपी बढ़ा के मार देना चाहती हो ना हमको तुम? हाँ, ये पढ़ाई लिखाई की वजह से ना हमारा घर के काम में बिल्कुल ध्यान नहीं। जाके दाल सब्जी दोबारा बना के लाओ, जाओ। मम्मी जी 2 ही दिन बाद मेरा ऑनलाइन एग्जाम है, इस वक्त अगर फिर से मैं खाना बनाऊंगी तो पढ़ाई कब करूंगी? मम्मी जी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके आपके लिए खाना मंगवा देती हूँ, आप खा लीजिएगा। पैसा का पेड़ पर लगता है, जो बाजार से लाकर खाना मंगवा दोगी हम कुछ नहीं सुनेंगे। जाओ किचन में और जाकर खाना बनाओ। अगर इस वक्त खाना अगर मैंने फिर बनाया तो टाइम ही नहीं बचेगा, मैं ऑनलाइन मंगा देती हूँ, आप खा लीजिएगा। हम बाजार से खाना नहीं आने देंगे, बता रहे हैं, और पानी तक को हाथ नहीं लगाने देंगे। आने दो हमरे बिटवा को, बताते हैं तुमको। जिसका डर था वही हुआ, आज नौकरी चली गई, लेकिन हम अपने बिजनेस के लिए जल्दी पैसों का जुगाड़ करेंगे, तुम बस सेटअप का जुगाड़ कर दो, ठीक है? अरे मोरे भैया मर गए रे। क्या हुआ अम्मा, तबीयत ठीक तो है? बताए सुबह से वो अन्न का दाना पेट में नहीं गया, पेट में दर्द तो हर पे करेगा ना। अरे मरे भैया मर जाएंगे रे। अरे पर हुआ का? तुम्हारी बीवी से इतना नहीं हुआ कि आकर के एक बार हमें देख ले कि हम जिंदा है कि स्वर्ग सिधार गए? कि तुम्हारी बीवी की पढ़ाई ना न जाने क्या क्या दिखाएगी। चलो अम्मा से माफी मांगो, माफी मांगो। माँ जी चुप, हम अपनी अम्मा के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुनेंगे। माफी मांगो, बोले ना माफी मांगो। लेकिन हमने कोई गलती नहीं की है तो फिर किस बात के लिए माफी मांगे? अगर तुमने माफी नहीं मांगा तो हम अभी के अभी तुमको घर से बाहर निकाल देंगे। हमने कोई गलती नहीं की है, समझो तो। नहीं मांगोगी, नहीं मांगोगी माफी? चलो चलो हम अभी तुमको घर से बाहर निकाल देंगे। बुद्धि फिर गई है तुम्हारी? हाँ छोड़ बहू का, हाँ छोड़ बहू का। हाँ छोड़िए, हाँ छोड़िए मेरा। पहले तुम बहू कहाँ छोड़ो, जब तक की अम्मा से माफी नहीं मांगेगी नहीं छोड़ेंगे इसका। तो हम बहू का हाथ छोड़ो, हम बात करते हैं। हट जा मत,
देखो बहू, ऐसा है कि हम भी नहीं चाहते कि तुम घर से बाहर जाओ। देखो तुम अगर इन सब बातों में उलझी रहोगी तो कैसे पढ़ाई कर पाओगी? अपने लिए ना सही, हमारी खातिर मांग लो अपनी सासू से माफी। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हमको माफ कर दीजिए माँ जी, क्षमा कर दीजिए हमें। पर तुमको खरीदारी करने से फुर्सत मिले तब ना हमरा ध्यान आए, तुमको तो बस पैसा उड़ाना है हमरे बिटुआ का। और हाँ, आगे से सलीके से बात किया करो हमरी अम्मा से, समझी? अंदर जाओ। मम्मी जी। जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अब जब तक हमको पोता नहीं दोगी ना तो ऐसे ही पिटती रहोगी, समझे? बैठो बेटा, कुछ बात करनी। बैठो। बेटा, हमने तुमको हमेशा अपनी बहू नहीं, हमेशा अपनी बेटी समझा। और सीमा को भी यही समझाने की कोशिश करते रहते हैं, पर तुम तो उसका स्वभाव जानती ही हो, वो सुनती कहाँ है किसी की। अरे औरों का तो छोड़ो, हमारी तक तो वो सुनती नहीं, तो हम भी उसको कुछ भी कहना छोड़ दिया। तो रही बात बेटा, उसने आज तक जो भी कुछ किया है ना, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। पापा जी, आप काहे माफी मांग रहे हैं? अब जो हमारे नियति में लिखा है उसे तो नहीं डाला जा सकता है ना। पापा जी, हम खाना बनाने जा रहे हैं। क्या हुआ माँ? देखो तुम्हारी बीबी का हाल। अरे जरा सा हमसे माफी का मांगना पड़ा, पूरा जीरा ही ठोक दिए, जैसे कि जानती नहीं है कि हमको जीरा से कितना एलर्जी है। मुझे नहीं मालूम था। अरे तुमको नहीं मालूम है कि हम जीरा खाते हैं तो हमको बेचैनी होने लगता है, पूरा देह हाथ नोचने लगता है। मम्मी जी, हमको नहीं। चुप। हमको तुमसे कोनो सवाल जवाब नहीं करना। अब हमको ऐसे नींद भी नहीं आएगा, नींद का गोली खा के सोना पड़ेगा हमको। आई बात समझ में? ये कहाँ चले गए?
क्या हुआ राखी? आप कहाँ चले गए थे इतने रात में हमको अकेला छोड़ के? अरे वो नींद नहीं आ रही थी ना, तो छत पे चले गए थे हवा लेने के लिए। सुनो ना, पता नहीं कहाँ है, हमको ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ से अभी गया है या कोई है इधर। राखी, इतनी रात को कौन भला जाएगा? हमको लगता है तुमको भ्रम हो गया। डरो नहीं, चलो चलो चल के सोते हैं। अरे पोता होने का बहुत बहुत शुभकामना। अरे तुम भी अपनी बहू को बोलो जल्दी पोता दे दे। अरे हम तो बोल बोल के तंग आ गए हैं, लेकिन सुनती ही नहीं है ना। जब औरत बच्चा पैदा करने में देर करे ना, तो समझ लो उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, बाकी तुम देख लो। चलो रखते हैं अभी। पढ़ाई करेंगे। मम्मी जी ये क्या कर रही है? अगर तुम लोगों को जल्दी से पोता की खबर नहीं सुनाई ना, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, समझे? माँ का याद कैसे आ गया? नौकरी के चक्कर में टाइम कहाँ मिलता था हमें। अब अच्छा है नौकरी भी चली गई, कम से कम इसी बहाने आपके पास बैठने का टाइम तो मिला हमको। अम्मा, हमको एक और बात करनी थी। बोलो। हम बिजनेस करना चाहते हैं। जगह माल सब देख लिए हैं, सब डिसाइड कर लिए हैं। बस 3 लाख रुपए एडवांस देना है। अगर आप मदद कर देती तो हमारा बोझ कम हो जाता। यही सब सोच सोच करके बहुत परेशान हो गए हैं कि पैसा लाए कहाँ से। और हम ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि तुम्हारी बीवी को पोते के लिए कैसे मनाएं। अम्मा बस एक बार हमारा बिजनेस सेटल हो जाने दीजिए। हम प्रॉमिस करते हैं आपको हम पोता दे देंगे। अम्मा ये झूठा प्रॉमिस ना हमसे ना करो। अम्मा प्लीज मान जाइए, बस एक ही बार तो कह रहे। पहले हमको पोता का खुशखबरी दो, फिर तुम्हें अपने बिजनेस के लिए जितना चाहे हमसे ले लो। जब तक हमको पोता का खुशखबरी नहीं मिलेगा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। बीबी हमसे झगड़ा करे और बेटा को पैसा चाहिए, पहले पोता तब पैसा। शराब पी है तुमने? क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे? हाँ, हम पागल हो गए। आज हम तुम्हारा एक भी नहीं सुनेंगे।
हमको बिजनेस करना है और हमारी अम्मा हमको बिजनेस करने के लिए तभी फंसा देगी जब उसको हम बच्चा होने का खुशखबरी देंगे। प्लीज हमको छोड़ दो, हमको दर्द हो रहा है। आया तुम्हारी मम्मी का सीन यार, अरे जल्दी कराओ नाश्ता खत्म हो जाएगा फिर वहां पे। आ गई अम्मा। अरे क्या हुआ, क्या बात है, तुम तैयार नहीं हो? अरे मेहता जी के लड़के की शादी में जाना है, ऐसे जाओगी? अरे हम क्या करेंगे जाकर, और वैसे भी हमारा व्रत है, आप लोग जाइए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो बेटा। अम्मा हम चाबी लेकर जा रहे हैं, आप ठीक से सो जाइएगा। चलिए चलो आप। यह आवाज कैसा? कौन है वहाँ? हाँ? कौन है वहाँ? कोई बोल कहीं नहीं रहा। कौन है वहाँ? तुम जो कम नहीं हो। ए शिवा, अम्मा, ए ए अम्मा, ए ए कौन है? अम्मा, कौन है? ए ए ए हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। आप लोगों को किसी पर शक है? हम जल्द से जल्द कातिल का पता लगा लेंगे। प्लीज पापा, अपने आप को संभालिए। प्लीज पापा, प्लीज अपने आप को संभालिए। बेटा, पापा खाया। एक नहीं वाला तो खा लीजिए। कैसे खाओ बेटा, मुझे अकेला छोड़ के चली गई, कैसे जीऊंगा इसके बिना? इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला क्या? पता चला है तभी आए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है और मर्डर वेपन भी आपके घर के बाहर से गार्डन से मिला।
और ये आपके घर के मोड़ के फुटपाथ से मिला। बरसात का समय तो है नहीं, तो कोई क्यों पहनेगा इसे? और इस पे हमें खून के छींटे भी मिले। और जब हमने चौराहे के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तब पता चला कि मर्डरर आपके घर से ही। तो बताइए मिश्रा जी, कैसे किया आपने ये सब? इंस्पेक्टर साहब, हमारी सास ने हमारे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। पोते की चाहत में हमारी चाहत का गला घोटने लगी थी वो। मुझे जलाने की धमकी दी थी। फिर मैंने सोचा अपनी सास मार दिया। उस दिन विकास की जेब से चाबी निकाल कर चुपके से वहां आए और चाकू मैंने लॉन्ड्री मिट्टी में गाड़ दिया और रेनकोट को अगले मुंह पे फेंक दिया। और हमने ये काम किसी के कहने पे किया। किसके कहने पर किया? साहब ये झूठ मूठ का बता रही है हमको। ये झूठ बोल रही है साहब। हमें सब पता है कौन झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रही है। मुना तुम यहाँ क्या कर रही? अगर ये ना होती तो सीमा जी की मौत की नौबत नहीं आती। क्या बोल रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? ये आपके पापा की गर्लफ्रेंड है। और आपके माँ की मौत की जिम्मेदार क्यों नरेश जी? सही कहा ना मैंने? आपके अकाउंट से इसके अकाउंट में हर महीने पैसे क्यों जाते हैं नरेश जी? सही सही बताइएगा, क्योंकि इसने सब कुछ सही बता दिया है। और अब आपकी बारी। क्या हम नहीं मरवाया सीमा को, क्योंकि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और उसके जीते जी हम एक नहीं हो सकते थे। और कभी कभी मैं उसके खाने में जीरा मिला दिया करता था, जिसकी एलर्जी की वजह से उसको नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी। इसका फायदा उठाकर मोना हमसे मिलने आ जाया करती थी। हमारा प्लान था सीमा को रास्ते से हटाना, और इसके लिए हमने राखी को हथियार बनाया था। तुम ठीक हो राखी? क्या हुआ? पापा जी, आज विकास ने मेरे साथ इन सबकी वजह तुम्हारी सास है। तुम्हारी सास ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन। इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ना,
सब तुम्हारी सास की वजह से है। और देखना, उसकी वजह से तुम्हारा पति विकास भी तुमसे दूर हो जाएगा। हम खुद उससे बहुत परेशान हो गए। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा जी, हम क्या करें? पर हमारी समझ में आ गया कि सीमा को चुप कैसे कराना है। क्या मतलब? तुम्हें सीमा को मारना होगा। नहीं पापा जी, हमसे नहीं होगा ये। नहीं। देखा ना सीमा की जिद ने क्या से क्या कर दिया। अगर वो जिंदा रही ना तो तुम्हारी जिंदगी और बद से बदतर हो जाएगी। सोच लो राखी, अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो। नहीं पापा जी। तुम कर सकती हो राखी, अपने भविष्य को संवारने के लिए तुम कर सकती हो। मैं ये क्या किया आपने पापा? क्या किया आपने? ये लेके चलो इन्हें। जब आप घर वालों से ज्यादा बाहर वालों को अहमियत देने लगते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन भंग होने लगता है। नरेश ने एक लड़की के चक्कर में और सीमा ने दुनियादारी के चक्कर में पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, और इसके कहीं न कहीं जिम्मेदार विकास भी है। विकास ने भी अपने परिवार को समझाने के बजाय अपनी ही पत्नी के साथ जबरदस्ती की। हमारा सुख दुख, अच्छा बुरा, हमारा परिवार होता है। परिवार नहीं तो कुछ नहीं। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.